सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू आज दूसरे दिन ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं। राज्य के साहिबगंज जिले में टेंडर विवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम ने कल उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की है। पीले रंग की शर्ट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए पिंटू आज फिर हाथों में कागज से भरा झोला लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ऑफिस के बाहर अपनी इनोवा गाड़ी से उतरने के बाद वहां मौजूद लोगों से नजरें बचाते हुए वो सीधा ऑफिस के अंदर चले गए। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों ने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन सिर झुकाते हुए वह चुपचाप अंदर चले गए। दरअसल उन्हें ईडी से समन भेजकर 1 अगस्त को ही हाजिर होने को कहा था, लेकिन वह उस दिन नहीं पहुंचे और 15 दिन की मोहलत मांगी, जिसे ईडी ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें दोबारा समन भेजकर बुलाया। बुधवार को उनसे साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े सवाल किए गए। अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी की टीम द्वारा सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आया था। जानकारी के अनुसार पंकज मिश्रा और पिंटू के बीच बातचीत का विवरण ईडी को मिला है। लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि पंकज मिश्र के बाद ईडी अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन के दौरान साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के पकड़िया मौजा में अभिषेक प्रसाद की कंपनी मेसर्स शिवशक्ति इंटरप्राइजेज का खनन पट्टा भी देखने पहुंची थी। उनके खनन लीज का पूरा क्षेत्र 1170 डिसमिल है। उन्हें इस खदान की लीज 2016 में मिली थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।